देश के अंदर और उनके साथ जिस तरीके से शोषण हो रहा है, आज वो लोग ये समझ के सड़क पे उतर चुके हैं और बगैर नागरिक होना इस देश का स्टूडेंट होना, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के नाते ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग उनको सॉलिडरिटी एक्सटेंड करें। हम इस बात को समझना पड़ेगा कि आज पिछले 6 साल से इस देश के अंदर इस देश का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इसको वन बाय वन पूरा खत्म करते ये सरकार जा रहा है। और जब जब यहाँ पे कोई भी कानून ऐसा लाया गया है जो इस देश के तमाम सारे जनता का विरोध है, हम देखे हैं कि इस देश का जनता है वो सड़क पे उतर के अपना लड़ाई लड़ी भी है और बहुत हद तक जीती भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मोदी और अमित शाह के सरकार से ज्यादा आज देश के अंदर एक कंपनी राज और लूट चल रहा है। अदानी और अंबानी इस देश को पूरा चलाने का जो एक फ्रेमवर्क है वो बना चुके हैं और उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए इसके वजह से मोदी सरकार बैठ बैठ के पॉलिसीज बना रहे हैं। किसानों के साथ जो हो रहा है शायद आप और हम सब किसी ने पढ़ा होगा। हमें पता है जेएनयू में काफी सारे छात्राएं आते हैं जो किसान परिवार से आते हैं और इस बात को वो लोग समझते हैं कि जो एमएसपी की बात है, जो एपीएमसी की बात कर रहे हैं, ये कितना जरूरत है। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल को इम्प्लीमेंट करने की बात है, उसको वापस लेने की बात हो रही है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, उसको रीइंस्टेट करने की बात हो रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट मॉडल को यहाँ पे पुश किया जा रहा है कृषि कानून के थ्रू, और किसानों का यही डिमांड था, किसानों का यही डिमांड था कि हम लोग बातचीत करें और इस बिल में क्या क्या रिकमेंडेशन हो सकता है, उस हिसाब से किसानों के हित में किस तरीके से बिल को इंक्लूसिव बनाया जा सकता है वैसा बिल लाया जाए। लेकिन लॉकडाउन के समय पे हमने एक अलग चित्र जो सरकार का है वो देखा, केवल कि वो कृषि कानून को लेके आए और बिना डिस्कशन के जहाँ पे किसानों पे एक लॉ लाया जा रहा है बिना किसानों से बात करके, राउंड द टेबल अदानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट से बात करके कृषि कानून को पास करवाया गया। और इस बात को आज देश के अंदर देखना पड़ेगा कि किसान बहुत बार कोशिश किए कि किस तरीके से वो लोग डायलॉग इस सरकार के साथ कर पाए और आज उनके पास एक ही डिमांड है कि ये जो 3 कानून लाया गया है उसको इमीडिएटली रद्द किया जाए और उसके बगैर वो लोग दिल्ली से हिलने नहीं वाले हैं। और इसीलिए जेएनयू के तरफ से हम लोग उनको क्रांतिकारी इस्तकबाल देते हैं कि आज उन्होंने दिखा दिया है कि मोदी सरकार अगर मनमानी अपना चाहते हैं इस देश के अंदर वो नहीं कर पाएंगे। और मोदी सरकार शायद भूल रहे हैं, मोदी जी शायद भूल रहे हैं कि आज ये देश में अगर हम लोग खाना खा पा रहे हैं, अगर हम लोग जी पा रहे हैं, तो इस देश का जो बुनियादी जो एक फ्रेमवर्क है वो हमारे देश के जो किसान और मजदूर है उन्होंने बनाया है। और ये जो हम लोग जब नारा लगाते हैं कि कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान, इस बात को हम लोग मानते हैं कि आज अगर इस देश के अंदर मजदूर और किसान जो है वो अगर सही नहीं रहेंगे तो हम लोग कोई भी लड़ाई को प्रोग्रेस के तरफ इस देश को कहीं भी ले नहीं जा पाएंगे। और आज इसी बात को समझते हुए किसान सड़क पे उतर के आए हैं और सरकार को समझाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार का इतना एरोगेंस है कि वो एक जंग किसानों के खिलाफ छेड़ चुके हैं। आप सभी ने जो मीडिया का नैरेटिव है देखा है और इसमें सरप्राइज होने वाली मुझे नहीं लग रहा है किसी को लग रहा है। हमें पहले भी पता है कि जब छात्राएं अपने फीस वृद्धि के खिलाफ कि वो लोग पढ़ नहीं पाएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर या कहीं पर भी यूनिवर्सिटी के अंदर लड़ाई करते हैं तो उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया जाता है। जब किसान अभी लड़ाई कर रहे हैं उनको भी बोला जा रहा है कि वो एंटी नेशनल है, वो लोग जेएनयू से है, वो खालिस्तानी है, बहुत कुछ बोला जा रहा है। क्या मोदी सरकार एक बार भी सोचे है कि ये कानून लाने से पहले एक बार किसानों से बात किया जाए, उनसे पूछा जाए कि उनके लिए क्या बेहतर होगा? तो आज यही हो गया है कि वो आपको हमको इस देश के अंदर ये स्टोरी जो कहानी बहुत सुंदर से सुनाते सुनाते आए हैं कि हम तो चाय वाला है, हम लोग समझते हैं कि क्या कठिनाई होती है कि एक गरीब परिवार से आप आते हो तो। लेकिन हम क्या देखे हैं कि रेलवे को बेच दिए हैं। पहले हाथ में केटली था तो चाय बेचते थे, अब हाथ में जो भी मिल रहा है उसको बेचने लग गए हैं।
तो इस बात को समझना पड़ेगा कि ये सरकार जो है ये देश की आम जनता की हित की सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं देश के अंदर। ये दलित विरोधी एक सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, किसान और मजदूर विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है। और ये कोई भी पॉलिसी इस टाइम पे ला रहा है लॉकडाउन के समय पे, छात्र होने के नाते ये बात भी बताना चाहेंगे, जो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है आज, उसके तहत हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज को खत्म किया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन में लोगों की जान चली जा रही है। ऐश्वर्या जैसे छात्र लेडी श्रीराम कॉलेज के अंदर, जो एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है, उसके अंदर एक स्टूडेंट को आत्महत्या करना पड़ा। सिस्टम फोर्स हर टू टेक हर लाइफ, और आज तक एक भी स्टेटमेंट पोखरियाल जी की तरफ से नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं इस देश के अंदर जिसके पास पैसा होगा वही पड़ेगा, इस देश के अंदर वही सर्वाइव करेगा जिसके पास पैसा होगा। और इस मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट नेक्सस को हम रिजेक्ट करते हैं, हम जेएनयू में भी रिजेक्ट किए, इसको पूरे देश के अंदर हम लोग रिजेक्ट करते हैं। और इसीलिए हमारी सॉलिडरिटी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, और जो आम जनता अपनी लड़ाई सड़क पे उतर के लड़ रहे हैं उनके साथ। तो इसी के बोलते हुए हम अपना बात खत्म करेंगे और इस जो एफईजी है इसको बर्न करेंगे। और आप सभी से अपील है कि आप लोग यहाँ पे बने रहिए। इसके बाद जेएनयूएसयू के वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना बात करें।